Before haircut, you can see amazing, beautiful long hair, and it was amazing. I just love it. Thank you so much. Thank you so much for coming, man. Once again, welcome to Shyama's Makeover Channel. Yes, friends. आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वेरी इजी लॉन्ग लेयर हेयर कट ट्यूटोरियल इन हिंदी. जी हाँ, ट्रेंडी हेयर कट. मैं जो आज आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगी, ये पूरा ट्यूटोरियल होगा फ्रेंड्स हिंदी में. और हाँ, बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी ज़रूर ज़रूर कीजिएगा. आप चाहते हैं इस खूबसूरत हेयर कट को देखना बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसे किया है. गाइडलाइन है, गाइडलाइन लेते हुए सारे क्लाइंट के राइट साइड के बालों को कट करूँगी. और बताना चाहती हूँ जो मेरे सामने जो अभी स्टैंड जो खड़ी है उनका नाम है नीतू, या शी इज़ टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी. वो मेरे से क्लासेस ले रही हैं और भी बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हो. जी हाँ, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, बट या शी इज़ टेकिंग क्लासेस फॉर हेयर कट. और बहुत अच्छी बात है, शी कैन सी द लाइव मॉडल राइट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने क्लाइंट के राइट साइड के बालों को कट किया है, अब मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड के बालों को कट करूँगी. तो जब मैं लेफ्ट साइड के बालों को काट रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में. जी हाँ, मेरा फिंगर देखिए बॉटम की तरफ जा रहा है और गाइडलाइन जो इसमें भी मैं गाइडलाइन ले रही हूँ और सारे बालों को कट कर रही हूँ. तो अगेन फ्रेंड्स, कंटिन्यू सेम इसी प्रोसेस से करना है जैसे आपने लेफ्ट में किया है. सो नाउ टाइम फॉर यू शेप. जी हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जब दोनों तरफ से आप कट कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, यू शेप क्रिएट करना है. ये नहीं कि दोनों साइड से करके छोड़ दिया, अच्छे से आपने यू शेप क्रिएट करना है. ठीक है, क्योंकि बेस जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा टेल्स पूछ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. तो क्लाइंट कहेगा ये क्या हेयर कट किया, अच्छा नहीं लग रहा. अच्छे से जो बेस है उसको परफेक्ट कर दीजिएगा तभी अच्छा लगेगा. आई एम सो सॉरी, मैसेज आ रहा था बीच में. एनीवेज, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा जो बेस है उसको अच्छे से कीजिएगा तभी आपका पूरा हेयर कट भी अच्छा होता है. और अगर आप चाहते हैं यू शेप हेयर कट देखना तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है. सबसे पहला जो लिंक है इजी मेथड ऑफ यू शेप हेयर कट, कि आप यू शेप को कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से. Now time for layering on the bottom. जी हाँ, अभी मैं इनको bottom layers create कर रही हूँ. Bottom layers create करने के लिए सबसे पहले 45 degree काटना है, फिर 90 degree cut करना है. So let's continue. Thank you.
जी हाँ, बताना चाहती हूँ यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा गाइडलाइन लिया है। और देखिए जो मिडिल सेक्शन है ना फ्रेंड्स, टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब नीचे तक, मतलब जो मिडिल सेक्शन है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं क्राउन से लेके पूरा मिडिल सेक्शन बोलते हैं इसको, जहाँ मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने किया टॉप, फिर किया क्राउन, फिर लोअर क्राउन, फिर ऑक्सीपिटल बोन की तरफ कट किया, फिर लोअर, पूरा फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं मिडिल सेक्शन को अब कट कर रही हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट को भी इसी तरह से लॉन्ग लेयर कट करना सिखाया है। बहुत जल्दी जो भी नीतू ने किया है उसके भी बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, तो आप देखना। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग लेयर हेयर कट और बेसिक टू एडवांस कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर ज़रूर मुझे कॉन्टेक्ट करना फ्रेंड्स। मेरा बहुत ही जल्दी बैच शुरू होने वाला है, अगस्त में नेक्स्ट बैच शुरू करूँगी, आई मीन लाइक आफ्टर 20th मेरा नेक्स्ट बैच शुरू होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि लंबे बालों को कितनी खूबसूरत तरीके से काट रही हूँ, लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ फ्रेंड्स कि आप मेरे सारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं अगेन मैंने गाइडलाइन लिया है और गाइडलाइन लेके मैं बैक साइड के सारे बालों को भी कट करूँगी। सो ज़रा देखिए इस सेक्शन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं जो ये सेक्शन है इसको मैंने वर्टिकल लिया है, और वर्टिकल लेके याद है आपको जो मैंने स्टार्टिंग में लॉन्ग लेयर देने से पहले, याद होगा आपको जो बॉटम लेयर्स दिया था ना, जी हाँ वही बॉटम लेयर्स को रिफ्रेश कर रही हूँ, वर्टिकल सेक्शन लेके 45 डिग्री और 90 डिग्री में रिफ्रेश कर रही हूँ, मतलब दोबारा से फिनिशिंग दे रही हूँ, क्रॉस चेकिंग कर रही हूँ कहीं अनइवन तो नहीं है। जी हाँ, अभी हेयर कट फिनिश नहीं हुआ, ये देखिए ज़रा मैं क्या कर रही हूँ, क्लाइंट से कंसल्टेंट कर रही हूँ, दोबारा से कंसल्टेंसी कर रही हूँ और पूछ रही हूँ उनसे कि मैम ज़रा बताइए, क्योंकि जब मैंने पूरा कट कर दिया तो मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया एंड शी सेड नहीं नहीं अभी बिल्कुल लुक अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उनको दोबारा से क्राउन शॉर्ट करूँगी। और ये तो ज़रूर देखना कि जब एक बार पूरा आप लॉन्ग लेयर कर देते हैं उसके बाद क्लाइंट को दिखा रहे हैं कि मैम देखिए, ठीक है क्लाइंट कहता है देखो लेयर्स तो विजिबिलिटी नहीं हो रहा, विजिबल ही नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में दोबारा से मैं क्राउन सेक्शन को कट करूँगी, स्लोली स्लोली इस सेक्शन को पूरे बैक से इसको मर्ज कर दूँगी। यहाँ पे मैं क्लाइंट से पूछूँ मैम कितना शॉर्ट करूँ, शी सेड कि ठीक है इतना ठीक है, तो देन मैंने इसको कट कर दिया है। तो अभी जो मैंने कट किया आप देख सकते हैं एटलीस्ट 6 से 7 इंच तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है सेक्शन बाय सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप बॉटम तक इसको मर्ज करना है। सो कंटिन्यू। सो नाउ टाइम फॉर ब्लू ड्रायर, यहाँ पे मैं यू नो डेनमेन एंड बहुत सारे ब्रशेज यूज़ करूँगी, नॉट मी, जी हाँ मेरा असिस्टेंट राम, हिज नेम इज़ राम। ये फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ कि ही इज़ वेरी वेरी गुड इन हेयर स्टाइल्स एंड फॉर ब्लो ड्राई इज रियली टू गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे राम जो है ब्लो ड्राई कर रहा है, और नॉट इवन दिस, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्रश है उसने पूरा अच्छे से आउट किया है, राइट। एंड नाउ यू कैन सी व्हाट अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लॉन्ग लेयर हेयर कट। बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी थी इसलिए मैंने सिर्फ स्मॉल ही रखा है ब्लो ड्राई। अगर आप चाहते हैं ब्लो ड्राई का और भी वीडियो देखना, ज़रूर सर्च कीजिएगा यूट्यूब में ब्लो ड्राई बाय श्यामास मेकओवर, उसमें मैंने फुल ट्यूटोरियल दिया है कि ब्लो ड्राई को आप कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। और कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे कॉन्टेक्ट करना। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ध्यान रखना, तब तक बाय गाइस, सी यू सून।